मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मारामूर्ति क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 11th का 7th चैप्टर परमुटेशंस एंड कम्बिनेशंस की एक्सरसाइज 7.7 के क्वेश्चन नंबर 4 व इससे आगे करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो फर्स्ट पार्ट है वो क्या है, आप देख सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो ये इसका आंसर है। तो स्टूडेंट्स, फोर्थ का जो हमारे पास फर्स्ट पार्ट है वो है, फोर्थ का फर्स्ट पार्ट उसने कहा है, इफ एन प्लस वन सी एन माइनस वन इज इक्वल टू 36 है तो हमें निकालना है स्टूडेंट्स, फाइंड एन, हमें एन निकालना है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे एन प्लस वन सी एन माइनस वन इज इक्वल टू 36, तो मैं इसको एन प्लस वन सी एन माइनस, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, हमें एक फार्मूला पता है एन सी आर का क्या फार्मूला है, एन सी, यहाँ आर की जगह एन माइनस आर लिख सकता हूँ। तो यहाँ इसकी जगह एन माइनस वन की जगह एन प्लस, यानी ये सारा एन जिसमें से आर को माइनस कर सकते हैं, यानी एन प्लस वन में से माइनस कर सकते हैं एन माइनस वन को, और ये किसके इक्वल है, 36 के। तो यानी n प्लस वन सी, n से n कैंसिल हो जाएगा, 2 बच जाएगा, ये इज इक्वल टू 36। अब n प्लस वन सी टू किसके इक्वल है स्टूडेंट्स, यानी n प्लस वन को 2 टर्म तक डिसेंडिंग ऑर्डर मल्टीप्लाई करो। 2 टर्म तक कैसे करोगे, n प्लस वन, फिर इसमें से एक कम करेंगे n, अपॉन 2 को 1 तक, 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 36। स्टूडेंट्स, ये जो फार्मूला है जो मैंने ये बताया है, n प्लस वन को 2 टर्म तक डिसेंडिंग ऑर्डर में हम मल्टीप्लाई करें, ये सब कुछ मैंने एक्सप्लेन किया इसका जो फर्स्ट पार्ट है वीडियो का, यानी 7.7 एक्सरसाइज की जो मैंने वीडियो बनाई है उसके फर्स्ट पार्ट में, यानी इससे पहले जो वीडियो बनी है उसमें मैंने सब कुछ एक्सप्लेन किया है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स, हमारे पास n को अंदर मल्टीप्लाई करो, n स्क्वायर प्लस n और इज इक्वल टू 2 36 72 हो जाएंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो एन स्क्वेयर प्लस एन माइनस 72 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, 72 के फैक्टर करेंगे हम लोग, तो 72 के ऐसे फैक्टर जिसका 1 आए तो हमारे पास आएगा 98 जा, एन स्क्वेयर प्लस 9n माइनस 8n माइनस 72 इक्वल टू 0। तो यहाँ से n कॉमन अंदर बन गया, n प्लस 9 और माइनस 8 कॉमन लेंगे तो n प्लस 9 इक्वल टू 0। तो n प्लस 9 कॉमन आ जाएगा और अंदर बन जाएगा n माइनस 8 इक्वल टू 0। तो एक बार n प्लस 9 को 0 के इक्वल करेंगे, तो एक बार n माइनस 8 को 0 के इक्वल, तो यहाँ से n की वैल्यू आ जाएगी 8 और यहाँ से n आ जाएगा माइनस 9, तो n नेगेटिव तो हो नहीं सकता, तो n की वैल्यू कितनी है, 8। अब स्टूडेंट्स, इसी का जो हमारे पास सेकंड पार्ट है वो क्या है, एन माइनस फोर सी फोर किसके 15 के इक्वल है। तो हमें स्टूडेंट्स एन की वैल्यू निकालनी है, तो फाइंड एन, तो यहाँ पे एन माइनस फोर सी फोर का मतलब है एन को 4 टर्म तक, एन माइनस फोर डिसेंडिंग ऑर्डर में, और फिर इसमें से एक कम करेंगे एन माइनस फाइव, इसमें से एक कम करेंगे एन माइनस सिक्स और इसमें से एक कम करेंगे एन माइनस सेवन, अपॉन क्या आ जाएगा, 4 इंटू 3 इंटू 2 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 15। अब स्टूडेंट्स, एन माइनस फोर एन माइनस, यहाँ से देखते हैं आप, एन माइनस फोर एन माइनस फाइव एन माइनस सिक्स और एन माइनस सेवन, दिस इज इक्वल टू 15 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 15 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो स्टूडेंट्स, मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ, एन माइनस फोर एन माइनस फाइव एन माइनस सिक्स एन माइनस सेवन को, ये 15 को स्टूडेंट्स हम 5 इंटू 3 बोल सकते हैं और ये 4 और ये 3 इंटू 3, ये कितना हो गया, 6 हो गया स्टूडेंट्स, यानी ये आ गया हम 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3, इसको इस तरह से बोल सकते हैं स्टूडेंट्स। तो n माइनस 4, मैंने कुछ नहीं किया, 15 को फैक्टर कर दिए और इसकी मल्टीप्लाई कर दी, n माइनस 4 n माइनस 5 n माइनस 6
एन माइनस सेवन। अब देखिए स्टूडेंट, ये भी फोर फैक्टर हैं और यहाँ पे भी सिक्स, फाइव, फोर, यहाँ पे भी डिसेंडिंग ऑर्डर में है, ये भी डिसेंडिंग ऑर्डर। तो एन माइनस फोर किसके इक्वल है स्टूडेंट्स हमारे पास? सिक्स के। इसी तरह से अगर एन माइनस फाइव को फाइव के इक्वल करेंगे, आपकी मर्जी है स्टूडेंट्स, और एन माइनस फाइव किसके इक्वल आ जाएगा? फाइव के। और हम ये कह सकते हैं एन माइनस सिक्स इज इक्वल टू आ जाएगा फोर के, और एन माइनस सेवन इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास थ्री के। तो सबसे हमारे पास एन की वैल्यू कितनी आएगी? सिक्स प्लस फोर, तो एन इज इक्वल टू टेन। यहाँ से भी देख लीजिए स्टूडेंट, एन इज इक्वल टू टेन, तो एन की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास? टेन आ गई। अब फिफ्थ क्वेश्चन करते हैं स्टूडेंट्स। फिफ्थ क्वेश्चन क्या आया है हमारे पास? फिफ्थ का फर्स्ट पार्ट, उसने कहा है इफ एन प्लस वन सी आर प्लस वन इज रेशो एन सी आर रेशो एन माइनस वन सी आर माइनस वन इज इक्वल टू इलेवन रेशो सिक्स रेशो थ्री। तो स्टूडेंट्स इसका मतलब है इन दोनों का रेशो अगर हम लेंगे, पहले दो का रेशो, तो हमें यहाँ से ये दो लेने पड़ेंगे। अगर हम इन दोनों का लेंगे तो लास्ट के दो लेने पड़ेंगे। अगर इसका और इसका लेंगे तो हम इसका और इसका रेशो लेंगे, ग्यारह और तीन का। तो फर्स्ट और सेकंड का रेशो लेते हैं हम, एन प्लस वन सी आर प्लस वन रेशो, रेशो मीन्स डिवाइड करेंगे एन सी आर, ये किसके इक्वल आ जाएगा स्टूडेंट? ग्यारह बटे छः। ये फर्स्ट टू लिया तो यहाँ से ही फर्स्ट टू। अब मैं नेक्स्ट टू लेता हूँ, एन सी आर रेशो एन माइनस वन सी आर माइनस वन, ये किसके इक्वल आ जाएगा? सिक्स रेशो थ्री। मैंने सेकंड थर्ड लिया तो यहाँ से सेकंड थर्ड। अब स्टूडेंट्स इसका हम खोलते हैं फार्मूला, एन सी आर का फार्मूला क्या है? एन प्लस वन का फैक्टोरियल अपॉन एन प्लस वन में से हम इसको माइनस करेंगे, इसको माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा इसका फैक्टोरियल इंटू आर प्लस वन का फैक्टोरियल। यही होता है एन सी आर का, एन का फैक्टोरियल अपॉन आर का फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर का फैक्टोरियल, यही है। तो और इसी तरह से इसका एन सी आर का, एन का फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर का फैक्टोरियल और इंटू आर का फैक्टोरियल, तो दिस इज इक्वल टू इलेवन अपॉन सिक्स। पहले मैंने ये लिया है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, एन प्लस वन को मैं खोलता हूँ, एन प्लस वन इसका फैक्टोरियल इंटू एन का फैक्टोरियल कह सकता हूँ इसको, और यहाँ से इससे ये कैंसिल हो गया, यहाँ पे एन माइनस आर बच गया इसका फैक्टोरियल, और आर प्लस वन को खोलता हूँ, आर प्लस वन इंटू आर का फैक्टोरियल, इसमें से एक कम करेंगे, और ये फोर्थ है ये ऊपर चली जाएगी, एन माइनस आर का फैक्टोरियल और आर का फैक्टोरियल अपॉन एन का फैक्टोरियल इज इक्वल टू इलेवन अपॉन सिक्स। तो इससे ये कैंसिल हो गया स्टूडेंट्स, इससे ये कैंसिल हो गया, एन माइनस आर से ये कैंसिल हो गया, तो हमारे पास बच गया एन प्लस वन अपॉन आर प्लस वन इज इक्वल टू इलेवन अपॉन सिक्स। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं स्टूडेंट्स, या सिक्स एन प्लस सिक्स इज इक्वल टू इलेवन आर प्लस इलेवन, तो सिक्स एन माइनस इलेवन आर इज इक्वल टू इलेवन माइनस सिक्स, ये सिक्स उस साइड में चला गया, तो सिक्स एन माइनस इलेवन आर इज इक्वल टू फाइव, ये इक्वेशन वन हो गई स्टूडेंट्स हमारे पास। अब इन दोनों को लेते हैं हम, ये क्या है एन सी आर, नाउ एन सी आर अपॉन एन माइनस वन सी आर माइनस वन इज इक्वल टू सिक्स अपॉन थ्री, तो सिक्स अपॉन थ्री का मतलब टू हो गया। तो स्टूडेंट एन सी आर का फार्मूला, एन का फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर का फैक्टोरियल इंटू आर का फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस वन सी आर, आर माइनस वन का, एन माइनस वन का फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस वन, माइनस करेंगे आर माइनस वन, माइनस आर माइनस वन करें तो प्लस का वन हो जाएगा वो, इसका फैक्टोरियल और आर माइनस वन का फैक्टोरियल इज इक्वल टू टू अपॉन वन। अब देखिए स्टूडेंट्स, एन का फैक्टोरियल मैं खोलता हूँ यहाँ पे, तो ये आएगा एन का फैक्टोरियल खुलेगा एन, फिर इसमें से एक कम करें एन माइनस वन का फैक्टोरियल, यहाँ तक खोल दिया, और नीचे क्या है एन माइनस आर का फैक्टोरियल, तो एन माइनस आर का फैक्टोरियल एज इट इज रखा, और आर के फैक्टोरियल को भी खोल दिया, आर इंटू आर माइनस वन का फैक्टोरियल, और मल्टीप्लाई में हम थर्ड अपॉन फोर्थ को ऊपर चले जाएंगे, इससे ये कैंसिल हो गया, ये एन माइनस आर का फैक्टोरियल ऊपर चला गया, और ये आर माइनस वन का फैक्टोरियल भी ऊपर चला गया, और डिवाइड में क्या है थर्ड नीचे एन माइनस वन, तो एन माइनस वन नीचे इसका फैक्टोरियल इज इक्वल टू टू अपॉन वन, इससे ये कैंसिल हो गया स्टूडेंट्स,
इससे ये कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया, तो हमारे पास बचा एन का फैक्टोरियल ना, एन बच गया, सिर्फ सिर्फ एन बच गया, ये फैक्टोरियल तो ये कैंसिल हो चुका है, हमारे पास बच गया एन अपॉन आर और ऊपर टू अपॉन वन। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, एन इज इक्वल टू टू आर, ये होगी सेकेंड इक्वेशन। एन की वैल्यू टू आर यहाँ पर पुट करते हैं स्टूडेंट्स, तो पुट इन वन, 6n माइनस 11r इज इक्वल टू 5, तो n के लिए 2r रखते हैं, तो 6 इंटू 2r माइनस 11r इज इक्वल टू 5, तो 12r माइनस 11r इज इक्वल टू 5, तो 1r इज इक्वल टू 5, r के लिए 5 आई, वो इसमें पुट करते हैं, पुट इन 2, जब दो में पुट करेंगे तो n आ जाएगा 2 इंटू आर, तो 2 इंटू आर है तो 2 इंटू 5, तो n की वैल्यू कितनी आ गई स्टूडेंट्स हमारे पास, 10 आ गए। अब स्टूडेंट्स आपने फिफ्थ का सेकंड पार्ट खुद करना है, सिक्स्थ क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ आपको, एन सी आर अपोन एन सी आर प्लस वन इज इक्वल टू वन अपोन टू है, और एन सी आर प्लस वन अपोन एन सी आर प्लस टू इज इक्वल टू टू अपोन थ्री है, तो हमें एन और आर निकालना है, फाइंड एन एंड आर। तो स्टूडेंट्स ये लेते हैं एन सी आर का मतलब एन का फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर का फैक्टोरियल और आर का फैक्टोरियल, और यहाँ पे इसको एन का फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस, जब इसको माइनस करेंगे आर माइनस वन आ जाएगा, इन दोनों को माइनस करेंगे और आर प्लस वन का फैक्टोरियल इज इक्वल टू वन बाई टू, पहले मैं इसको लेता हूँ स्टूडेंट्स। अब यहाँ से देखिए स्टूडेंट्स, एन फैक्टोरियल से एन फैक्टोरियल कैंसिल, फर्स्ट से थर्ड, तो फर्स्ट बाय सेकंड, थर्ड बाय फोर्थ, फोर्थ ऊपर चली जाएगी, फोर्थ क्या है एन माइनस आर प्लस माइनस वन इसका फैक्टोरियल, और आर प्लस वन का फैक्टोरियल है ये भी ऊपर आ जाएगा, और डिवाइड में आ जाएगा एन माइनस आर और इसका फैक्टोरियल और आर का फैक्टोरियल इज इक्वल टू वन अपॉन टू। अब स्टूडेंट्स इसके बाद यहाँ पे लिखता हूँ मैं, ये आएगा हमारे पास एन माइनस आर माइनस वन का फैक्टोरियल, आर प्लस वन का खुलेगा आर प्लस वन, फिर इसमें से एक कम करेंगे आर, इसमें से एक कम करेंगे तो आर का फैक्टोरियल, और डिवाइड में एन माइनस आर का खोलना हो अगर एन माइनस आर, और फिर इसमें से एक कम करो एन माइनस आर माइनस वन का फैक्टोरियल, और ये आर का फैक्टोरियल इज इक्वल टू वन अपॉन टू, तो इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, तो हमारे पास बचा आर प्लस वन अपॉन एन माइनस आर इज इक्वल टू वन रेशो टू। तो इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट्स, तो ये आएगा टू आर प्लस टू, ये आएगा टू आर प्लस टू अपॉन, ये एन माइनस आर है, जब इसकी मल्टीप्लाई उस साइड में करेंगे तो एन माइनस आर बच जाएगा इज इक्वल टू एन माइनस आर। तो स्टूडेंट्स ये आ जाएगा हमारे पास टू आर माइनस एन इज इक्वल टू, ये माइनस का आर इस साइड आके प्लस का आर आ जाएगा, और ये प्लस का टू इस साइड आके माइनस का टू, तो मेरे पास बचा टू आर प्लस आर थ्री आर माइनस एन इज इक्वल टू माइनस टू, ये इक्वेशन वन बन गई। नाउ अब सेकंड लेते हैं स्टूडेंट, जो उसने सेकंड पार्ट दे रखा है, सेकंड क्या दे रखा है, एन सी आर प्लस वन बटे एन सी आर प्लस टू, एन सी आर प्लस वन अपॉन एन सी आर प्लस टू, ये उसने किसके इक्वल दे रखा है, उसने दे रखा है टू अपॉन थ्री के इक्वल। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए एन सी आर प्लस वन का फार्मूला क्या है, एन का फैक्टोरियल अपॉन एन में से ये माइनस करेंगे सारा, जब माइनस करेंगे तो आर माइनस वन हो जाएगा इसका फैक्टोरियल, और यहाँ पे आर प्लस वन का फैक्टोरियल डिवाइड में, अब इसको खोलते हैं एन का फैक्टोरियल अपोन एन माइनस आर, ये प्लस का टू है ये माइनस का टू हो जाएगा इसका फैक्टोरियल, और आर प्लस टू का फैक्टोरियल अलग से आ जाएगा आर प्लस टू का फैक्टोरियल, और यहाँ पे क्या बचा स्टूडेंट्स हमारे पास टू अपॉन थ्री। तो स्टूडेंट्स आप देख रहे हो यहाँ से एन फैक्टोरियल से ये कैंसिल, फोर्थ ऊपर चली जाएगी, तो फोर्थ क्या है हमारे पास एन माइनस आर माइनस टू का फैक्टोरियल, और ये r प्लस टू का फैक्टोरियल भी ऊपर चला जाएगा, और r प्लस टू का फैक्टोरियल जब खुलेगा r प्लस टू
और आर प्लस टू में से एक कम करेंगे तो आर प्लस वन का फैक्टोरियल बच जाएगा, और ये नीचे रह जाएगा सेकंड एन माइनस आर माइनस वन, इसका फैक्टोरियल जब खुलेगा तो एन माइनस आर माइनस वन, फिर इसमें से एक कम, एन माइनस आर माइनस वन एक और माइनस करेंगे तो माइनस टू हो जाएगा इसका फैक्टोरियल, और ये आर प्लस वन का फैक्टोरियल एज इट इज़, तो ये 2:3। अब स्टूडेंट्स इससे ये कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया, तो हमारे पास बचा आर प्लस टू अपॉन एन माइनस आर माइनस वन इज इक्वल टू 2:3। तो इसकी मल्टीप्लाई करते हैं स्टूडेंट्स, तो 3R+6 इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई 2N-2R-2। तो स्टूडेंट्स अब हम क्या करते हैं, एक साइड में ले लेते हैं, तो 3R और माइनस का 2R इस साइड आके प्लस का 2R माइनस का 2N और ये 6 उस साइड आके माइनस का 6 -2 -6, तो 3+2 5R-2N इज इक्वल टू -8। ये होगी हमारे पास सेकंड स्टूडेंट्स। अब फर्स्ट क्या है स्टूडेंट्स मेरे पास, वो है 3R-1N इज इक्वल टू -2। तो स्टूडेंट्स मैं एन और आर की वैल्यू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से निकालता हूँ, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्या आएगी, हम आर अपॉन लिखेंगे, एन अपॉन लिखेंगे और फिर -1 अपॉन लिखेंगे, हम ऐसे ही करते थे स्टूडेंट्स। तो कहाँ से स्टार्ट करते थे, 2, 3 आर अपॉन लिखना है तो पहले 2 लिखो, माइनस का 2 है, ये माइनस का 8 है, फिर 5 और फिर देखेंगे -2, और इसी तरह से फिर -1 2, 3, 1, 2 ऐसे लिखते थे स्टूडेंट्स, -1 फिर लिखो -2 और फिर लिखो 3 फिर लिखो -1। तो हमारे पास R अपॉन आएगा इसकी मल्टीप्लाई यहाँ, माइनस का साइन इसकी मल्टीप्लाई यहाँ, तो हमारे पास R अपॉन आएगा स्टूडेंट्स, तो -2 -2 प्लस का 4 हो जाएगा, 2 2 जा 4 -8 -8 प्लस 8, तो लेकिन 4 माइनस, फिर अब यहाँ पे -+ का 8 हो जाएगा, प्लस का 8 करेंगे तो -8 रहेगा, और फिर n अपॉन लिखेंगे स्टूडेंट्स इसकी मल्टीप्लाई यहाँ, -24 -10 तो -24 फिर बीच में माइनस का साइन, अब इसकी मल्टीप्लाई है -10 तो -+10 हो जाएगा, और -1 अपॉन लिखेंगे स्टूडेंट इसकी मल्टीप्लाई यहाँ -5 माइनस और -+6 हो जाएगा स्टूडेंट्स, तो ये आया R-4 N-14 और -1 अपॉन 1, तो R इज इक्वल टू आ जाएगा, -4 को ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, -4 को यहाँ थर्ड साइड में, तो +4/1 और n निकालना है तो इसको -14 को ऊपर मल्टीप्लाई करें तो -+14/1, तो r आया हमारे पास 4 और n आया 14। अब सेवन्थ का जो फर्स्ट पार्ट देखते हैं स्टूडेंट्स, सेवन्थ का फर्स्ट पार्ट है इफ 4p2 इज इक्वल टू n इंटू 4c2 फाइंड n। 4p2 किसके इक्वल है, n इंटू 4c2 के इक्वल है, फाइंड n, तो n निकालना है, क्वेश्चन मार्क। अब देखिए स्टूडेंट 4p2 यानी 4 का फैक्टोरियल अपॉन 4-2 का फैक्टोरियल, और स्टूडेंट्स हमारे पास 4c2 का मतलब क्या है, 4c2 का मतलब 4 का फैक्टोरियल अपॉन 4-2 का फैक्टोरियल और इंटू 2 का फैक्टोरियल, यही आएगा स्टूडेंट। तो इससे ये कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया, तो हमारे पास यहाँ 1 बच गया और n अपॉन 2 का फैक्टर, 2 का फैक्टर 2 इंटू 1, तो यहाँ पे आ गया n इज इक्वल टू 2, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो n की वैल्यू कितनी आ गई स्टूडेंट्स, 2। अब सेकंड पार्ट देखते हैं स्टूडेंट्स, हमें दे रखा है सेकंड पार्ट में, हमें दे रखा है n पी आर किसके इक्वल है, वो है 1320 के इक्वल, और n सी आर किसके इक्वल है स्टूडेंट्स, वो है हमारे पास 220 के इक्वल। तो स्टूडेंट्स कल मैंने आपको फार्मूले भी बताए थे कि एन सी आर किसके इक्वल होता है, एन सी आर का फार्मूला क्या है, देखिए एन का फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर का फैक्टोरियल इंटू आर का फैक्टोरियल, यही है स्टूडेंट्स इज इक्वल टू 220, एन सी आर का फार्मूला यही है स्टूडेंट्स। और एन पी आर का फार्मूला क्या है, एन का फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर का फैक्टोरियल इंटू 1320। अब आप देख सकते हो स्टूडेंट्स
एन का फैक्टर यानी इतने इतने की वैल्यू क्या है, ये देखिए इतने इतने की वैल्यू मेरे पास क्या है 1320, तो इतने इतने की वैल्यू 1320 रख दूँ तो 1320, ये सारे की वैल्यू मैंने क्या रखी 1320 रख दी स्टूडेंट्स, अपॉन आर का फैक्टोरियल है इज इक्वल टू 220। तो यहाँ से आर का फैक्टोरियल ये 220 नीचे आ जाएगा और आर फैक्टोरियल ऊपर आ जाएगा, तो 1320 अपॉन 220, जीरो से जीरो कैंसिल, 22 का 132, तो आर का फैक्टोरियल इज इक्वल टू 6 को मैं 3 का फैक्टोरियल बोल सकता हूँ स्टूडेंट्स, 6 है तो आर की वैल्यू कितनी आ गई स्टूडेंट्स हमारे पास 3। अब स्टूडेंट्स जो आर की वैल्यू आई है हम यहाँ पे पुट करते हैं एन का फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर यानी 3 का फैक्टोरियल और इज इक्वल टू 1320। अब स्टूडेंट्स आप देखिए एन का फैक्टोरियल को खोलेंगे एन इंटू एन माइनस वन, एन माइनस टू, एन माइनस 3 का फैक्टोरियल ये आ जाएगा अपॉन एन माइनस 3 का फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1320 है, तो इससे ये कैंसिल, तो हमारे पास आया स्टूडेंट्स एन इंटू एन माइनस वन, एन माइनस टू और इज इक्वल टू 1320। तो स्टूडेंट्स एन इंटू एन माइनस वन, एन माइनस टू और इसको स्टूडेंट्स 12 × 11 × 10 इंटू 12 × 11 × 10 कह सकता हूँ कि 1320 आएगा। तो यहाँ से देखिए स्टूडेंट्स एन की कंपेयर किसके साथ होगी 12 के साथ, सो एन इज इक्वल टू 12 और एन माइनस वन की कंपेयर 11 से हो जाएगी, तो एन माइनस वन इज इक्वल टू 11, तो यहाँ से भी एन की वैल्यू क्या आएगी 12। इसकी कंपेयर एन माइनस टू की कंपेयर किससे हो जाएगी 10 से, तो यहाँ से भी एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी 12, सो एन इज इक्वल टू कितना आया 12। अब स्टूडेंट्स इसका हम 8th क्वेश्चन करते हैं। 8th में क्या है एन पी आर इज इक्वल टू एन पी आर प्लस वन, एन सी आर इज इक्वल टू एन सी आर माइनस वन, फाइंड द वैल्यू ऑफ एन एंड आर। तो 8th क्वेश्चन है स्टूडेंट्स इफ़ एन पी आर इज इक्वल टू एन पी आर प्लस वन और एन सी आर इज इक्वल टू एन सी आर माइनस वन, तो फाइंड एन एंड आर, एन एंड आर। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हो एन पी आर का फार्मूला एन का फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर का फैक्टोरियल और एन पी आर प्लस वन का एन का फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर माइनस वन का फैक्टोरियल आ जाएगा, और एन सी आर का फार्मूला स्टूडेंट्स यहाँ पे एन का फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर का फैक्टोरियल और आर का फैक्टोरियल, और यहाँ पे एन का फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस, जब इसको करेंगे आर माइनस और माइनस प्लस का वन हो जाएगा, जब इस एन में से इसको माइनस करेंगे और इंटू आर माइनस इसका भी फैक्टोरियल और आर माइनस वन का फैक्टोरियल, तो इससे एक आंसर स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे एन माइनस आर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं फैक्टोरियल इज इक्वल टू एन माइनस आर माइनस वन का फैक्टोरियल आ जाएगा, तो इसको खोलेंगे स्टूडेंट्स ये एन माइनस आर और इसको आगे खोलेंगे एक और कम कर देंगे एन माइनस आर माइनस वन का फैक्टोरियल कह सकता हूँ, और ये आ गया एन माइनस आर माइनस वन का फैक्टोरियल, इससे ये कैंसिल, तो एन माइनस आर इज इक्वल टू कितना आया 1। अब स्टूडेंट्स यहाँ से इससे ये कैंसिल, तो यहाँ पे मेरे पास बचा यानी एन माइनस आर प्लस वन का फैक्टोरियल और ये ऊपर मल्टीप्लाई होकर के आर माइनस वन का फैक्टोरियल, और इस साइड में ये एन माइनस आर का फैक्टोरियल और आर का फैक्टोरियल, इसको खोलते हैं स्टूडेंट्स एन माइनस आर प्लस वन, फिर इसमें से एक कम करेंगे वो आएगा एन माइनस आर का फैक्टोरियल और आर माइनस वन एज इट इज और इज इक्वल टू एन माइनस आर एज इट इज और आर का जो है फैक्टोरियल उसको खोलेंगे आर इंटू आर, ये एन माइनस आर का फैक्टोरियल एज इट इज, आर के फैक्टोरियल को खोल रहा है आर इंटू आर माइनस वन का फैक्टोरियल। अब स्टूडेंट इससे ये कैंसिल हो गया और यहाँ से एन माइनस आर से ये कैंसिल हो गया, तो हमारे पास बच गया एन माइनस आर प्लस वन और इज इक्वल टू आर बच गया, तो स्टूडेंट्स एन माइनस आर और माइनस का आर हो जाएगा और प्लस का वन इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा, यानी एन माइनस टू आर, एन माइनस टू आर इज इक्वल टू ये टू आर हो गया और प्लस का वन उस साइड आके माइनस का वन, ये फर्स्ट है और ये सेकंड है, इन दोनों को सोल्व करते हैं, ये एन माइनस टू आर इज इक्वल टू माइनस वन, तो स्टूडेंट्स माइनस ये प्लस एलिमिनेशन मेथड से करते हैं और ये प्लस हो जाएगा, ये कैंसिल,
तो माइनस का आर प्लस के टू आर प्लस का आर और इज इक्वल टू प्लस का टू। तो आर की वैल्यू हम इसमें पुट करते हैं, पुट इन वन, पुट आर वैल्यू इन वन, तो वन में पुट करेंगे स्टूडेंट्स, तो एन माइनस आर इज इक्वल टू वन है, तो आर की वैल्यू टू रखें, तो एन माइनस टू इज इक्वल टू वन, तो एन इज इक्वल टू वन प्लस टू, तो स्टूडेंट्स एन इज इक्वल टू कितना आया, थ्री। अब नाइन्थ का फर्स्ट पार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। नाइन्थ का फर्स्ट पार्ट क्या है, इफ़ आर डॉट, प्रूव करना है, प्रूव करना है हमें आर इंटू एन सी आर को एन इंटू एन माइनस वन सी आर माइनस वन के इक्वल। तो लेफ्ट हैंड साइड लेता हूँ स्टूडेंट्स में, आर डॉट एन सी आर, आर इंटू, तो आर इज एज इट इज, एन सी आर कैसे खुलेगा स्टूडेंट्स, एन का फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर का फैक्टोरियल और इंटू आर का फैक्टोरियल। इसको आगे खोलता हूँ स्टूडेंट्स, तो ये आएगा आर इंटू एन का फैक्टोरियल एन इंटू एन माइनस वन का फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर को खोलेंगे एन माइनस आर का फैक्टोरियल एज इट इज, और आर का फैक्टोरियल खोलेंगे आर इंटू आर माइनस वन का फैक्टोरियल। खोल सकता हूँ स्टूडेंट इसको मैं इस तरह से, तो यहाँ से R से हमारे पास क्या कट गया, R कैंसिल हो गया, तो मेरे पास आया ये n इंटू एन माइनस वन का फैक्टोरियल और यहाँ पे R माइनस वन और n माइनस R का फैक्टोरियल। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये एज इट इज रखा मैंने n इंटू एन माइनस वन का, तो स्टूडेंट्स n इंटू एन माइनस वन का फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर है, जिसमें मैंने क्या माइनस वन और प्लस वन कर दिया, कुछ फ़र्क तो नहीं पड़ेगा, और ये r माइनस वन का फैक्टोरियल मैंने ऐसे कैसे रखा, ये r माइनस वन का फैक्टोरियल है और r माइनस वन का फैक्टोरियल मैंने ऐसे कैसे रखा। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये n एज इट इज n माइनस वन का फैक्टोरियल, या आप राइट हैंड साइड लेकर के भी प्रूव कर सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं, मैं तो लेफ्ट हैंड साइड से आपको प्रूव करके दिखा रहा हूँ। ये इसमें से n माइनस वन और ये बच गया माइनस आर, प्लस वन बच गया, प्लस वन उसमें से फिर मैंने माइनस कॉमन लिया, तो r माइनस वन बच गया, और इस सारे का क्या है फैक्टोरियल है स्टूडेंट्स, ये n माइनस आर का तो फैक्टोरियल, तो इसका फैक्टोरियल और r माइनस वन का फैक्टोरियल। अब देखिए स्टूडेंट्स, देखिए ये इसको सारे को n मानो, ये n हो गया, ये तो ये n हो गया, ये कैपिटल एन मान लिया मैंने, ये कैपिटल एन, ये कैपिटल एन और ये कैपिटल आर, तो ये कैपिटल आर, तो देखो एन का फैक्टोरियल अपन एन माइनस आर का फैक्टोरियल और आर का फैक्टोरियल ये बन गया ना, तो ये किसका फार्मूला बन गया एन इंटू, ये एन तो एज इट इज, तो ये एन कैपिटल एन यानी सी आर का फार्मूला बन जाएगा। अब यहाँ पे यानी कैपिटल एन, अगर मैंने इसको, अब कैपिटल एन की वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स, एन माइनस वन, यानी एन माइनस वन सी, ये किसका बन गया आर माइनस वन का फार्मूला बन गया स्टूडेंट्स। तो देखिए स्टूडेंट्स, आप इसको खोल के भी देख ले तो यही आएगा हमारे पास, या फिर आप इस तरह से भी कर सकते हो, लेफ्ट हैंड साइड मैंने यहाँ तक की ली और फिर मैंने यहाँ से राइट हैंड साइड ली, राइट हैंड साइड क्या है सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड मैंने यहाँ तक ली और फिर मैंने क्या किया लेफ्ट राइट हैंड साइड ली, राइट हैंड साइड क्या है एन इंटू एन माइनस वन सी आर माइनस वन, तो एन ऐसे कैसे, तो इसका फार्मूला बनेगा एन माइनस वन का फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस वन में से माइनस करेंगे इसको आर माइनस वन को, तो ये प्लस का वन हो जाएगा इसका फैक्टोरियल और आर माइनस वन का फैक्टोरियल, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा स्टूडेंट्स, तो बचा एन इंटू एन माइनस वन का फैक्टोरियल और एन माइनस आर का फैक्टोरियल और आर माइनस वन का फैक्टोरियल। आप देखिए स्टूडेंट्स, यही हमारे प्रूव करना था, तो लेफ्ट और राइट इक्वल भी दिखा सकते हो, अदरवाइज आप इसको इस वे से भी कर सकते हो। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स हमारे पास नाइन्थ का सेकंड पार्ट, प्रूव करना है हमें एन सी आर प्लस टू इंटू एन सी आर माइनस वन प्लस एन सी आर माइनस टू को एन प्लस टू सी आर के इक्वल प्रूव करना है। तो देखिए स्टूडेंट्स, मैं लेफ्ट हैंड साइड लेता हूँ, लेफ्ट हैंड साइड क्या है एन सी आर प्लस टू इंटू एन सी आर माइनस वन
और प्लस एन सी आर माइनस टू। तो ये आएगा स्टूडेंट्स एन का फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर का फैक्टोरियल और आर का फैक्टोरियल, और ये आएगा टू इंटू एन का फैक्टोरियल एन माइनस आर प्लस वन हो जाएगा जब माइनस करेंगे इसका फैक्टोरियल, और इंटू आर माइनस वन का फैक्टोरियल, और यहाँ पे ये एन का फैक्टोरियल ये एन माइनस आर प्लस टू हो जाएगा इसका फैक्टोरियल, और इंटू आर माइनस टू का फैक्टोरियल। अब आप देखिए स्टूडेंट्स यहाँ से हमारे पास एन का फैक्टोरियल कॉमन आ गया, और नीचे से हमारे पास जो कॉमन आएगा वो आएगा स्टूडेंट्स नीचे से जो हमारे पास फैक्टर कॉमन आएगा, तो फिलहाल एन माइनस आर का फैक्टोरियल इसको एज इट इज, और आर का फैक्टोरियल को आर इंटू आर माइनस वन आर माइनस टू का फैक्टोरियल कह दिया मैंने। अब यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, और इसको देखिए स्टूडेंट्स ये टू इंटू एन का फैक्टोरियल एज इट इज, यहाँ पे एन माइनस आर प्लस वन लिख दिया मैंने, और फिर इसमें से कम किया तो एन माइनस आर का फैक्टोरियल, और आर माइनस वन के फैक्टोरियल को आर माइनस वन और इंटू आर माइनस टू का फैक्टोरियल, और ये स्टूडेंट्स एज इट इज एन का फैक्टोरियल, ये एन माइनस आर प्लस टू को एन माइनस आर प्लस टू फिर मल्टीप्लाई एन माइनस आर प्लस वन और फिर एन माइनस आर का फैक्टोरियल और इंटू आर माइनस टू का फैक्टोरियल, ये लिख दिया स्टूडेंट्स मैंने। अब देखिए यहाँ एन का फैक्टोरियल सब में है और एन माइनस आर भी देखिए सब में है, और यहाँ पे देखिए एन माइनस आर भी सब में है और आर माइनस टू भी हमारे पास सब में है, तो मेरे पास जो कॉमन आया वो क्या आया, कॉमन आया एन का फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर का फैक्टोरियल और आर माइनस टू का फैक्टोरियल। तो अंदर बच गया पहली वाली में, तो हमारे पास बच गया यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो बच गया मेरे पास ये देखिए आप देख सकते हो ये कॉमन ले लिया और ये आर और आर माइनस वन बच गया, यहाँ पे बच गया वन अपॉन आर और आर माइनस वन, और स्टूडेंट्स यहाँ से टू अपॉन बच जाएगा, यहाँ पे मैंने एन माइनस आर का फैक्टोरियल कॉमन ले लिया ये ले लिया, तो एन माइनस आर प्लस वन और एन आर माइनस वन, एन माइनस आर प्लस वन और आर माइनस वन, और यहाँ से स्टूडेंट्स वन अपॉन बचेगा मेरे पास, ये मैंने कॉमन ले लिया है और ये भी कॉमन लिया एन माइनस आर प्लस टू एन माइनस आर प्लस वन, एन माइनस आर प्लस टू एन माइनस आर प्लस वन। तो अब स्टूडेंट्स मैं क्या करता हूँ इसका एलसीएम लेता हूँ, एन का फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर का फैक्टोरियल आर माइनस टू का फैक्टोरियल। तो जब मैं एलसीएम लूँगा स्टूडेंट्स तो यहाँ से आर भी एलसीएम आर माइनस वन भी और एन माइनस आर प्लस वन भी और एन माइनस आर प्लस टू भी एलसीएम, तो ये और ये दोनों कैंसिल हो गए हमारे पास ये दोनों बच गए, तो ये ऊपर मल्टीप्लाई यानी एन माइनस आर प्लस वन मल्टीप्लाई एन माइनस आर प्लस टू। अब इससे ये कैंसिल हो गया एक एक ये वाला कैंसिल हो गया, तो बच गया क्या टू इंटू एक तो आर बच गया एक ये बच गया आर इंटू एन माइनस आर प्लस टू एन माइनस आर प्लस टू, और स्टूडेंट्स यहाँ से ये भी कैंसिल तो बच गया क्या आर इंटू आर माइनस वन। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए एन का फैक्टोरियल और इंटू में यहाँ पे इनकी मल्टीप्लाई करते हैं एन स्केयर, जब इसकी मल्टीप्लाई स्टूडेंट्स हम यहाँ करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस आर एन, जब इसकी मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे प्लस एन, और जब इसकी मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे माइनस एन आर, इसकी यहाँ प्लस आर स्केयर, जब इसकी यहाँ करेंगे माइनस आर, और जब टू की यहाँ करेंगे टू एन, जब टू की यहाँ करेंगे माइनस टू आर, और जब टू की यहाँ करेंगे प्लस टू। अब स्टूडेंट प्लस टू आर की यहाँ करो टू एन आर, अब टू आर की यहाँ करो माइनस टू आर स्केयर, अब टू आर की यहाँ करो फोर आर, अब आर की यहाँ करो प्लस आर स्केयर, आर की यहाँ करो माइनस आर, ये आ गया अपॉन में स्टूडेंट्स हमारे पास एन माइनस आर का फैक्टोरियल आर माइनस टू का फैक्टोरियल, और जो बचे हैं आर आर माइनस वन एन माइनस आर प्लस वन और एन माइनस आर प्लस टू।
अब स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पे, तो यह माइनस का एन आर है और ये माइनस का एन आर, माइनस के टू एन आर और ये प्लस के टू एन आर, ये कैंसिल हो गए स्टूडेंट्स। ये प्लस का एन और प्लस का टू एन, थ्री एन, तो मेरे पास बच गया एन का फैक्टोरियल। एक तो मेरे पास एन स्केयर बच गया और एन वाले काउंट करो टू एन और एन, ये बच गए थ्री एन, और कौन बच गया स्टूडेंट, आर स्केयर प्लस का, और यहाँ पे माइनस का टू आर स्केयर, प्लस का आर स्केयर और प्लस का टू आर स्केयर, माइनस टू आर स्केयर कैंसिल हो गए। अब आर वाले देखते हैं स्टूडेंट्स, माइनस का आर, माइनस का टू आर, माइनस का थ्री आर, माइनस का थ्री आर और माइनस का आर, ये माइनस के फोर आर, प्लस का फोर आर, ये भी कैंसिल हो गए स्टूडेंट्स। अब बिना आर वाले देखते हैं, काउंट करते हैं स्टूडेंट्स, मेरे पास बिना आर वाला तो सिर्फ एक ही है, प्लस का टू है, तो प्लस का टू। और डिवाइड में देखिए स्टूडेंट, एन माइनस आर हमारे पास, और ये एन माइनस आर प्लस वन, और एन माइनस आर का फैक्टोरियल एन माइनस आर प्लस वन, एन माइनस आर प्लस टू, ये लिख दिया स्टूडेंट्स। और ये देखिए, ये आर आर माइनस वन, आर आर माइनस वन और आर माइनस टू का फैक्टोरियल। और स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए आप लोग, ये मैंने लिख दिया आर माइनस टू का फैक्टोरियल, लिख दिया आर, लिख दिया आर माइनस, ये सब लिख दिए मैंने। अब यहाँ पे इसके फैक्टर बनाओ, तो इसके फैक्टर बनेंगे एन का फैक्टोरियल, इसके फैक्टर एन स्केयर प्लस टू एन प्लस एन प्लस टू, और डिवाइड में देखिए स्टूडेंट्स, ये है एन माइनस आर प्लस टू, ये है एन माइनस आर प्लस वन, और ये एन माइनस आर का फैक्टोरियल। और स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए, ये क्या है, आर इंटू आर माइनस वन, आर माइनस टू का फैक्टोरियल। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए, एन का फैक्टोरियल, इसके फैक्टर बन गए एन कॉमन अंदर एन प्लस टू, प्लस वन कॉमन अंदर एन प्लस टू, और यहाँ पे स्टूडेंट एन माइनस आर प्लस टू, एन माइनस आर प्लस वन, एन माइनस आर, तो यानी मैं ये कह सकता हूँ एन माइनस आर प्लस टू का फैक्टोरियल, इसको ऐसे बोल सकता हूँ ये, क्योंकि यहाँ ऐसे ही खुलेगा, और यहाँ पे ये आर का फैक्टोरियल भी ऐसे ही खुलेगा, आर लिखेंगे आर माइनस वन आर माइनस टू। अब ऊपर देखिए स्टूडेंट, ऊपर बच गया एन का फैक्टोरियल, ये एन प्लस टू कॉमन आ गया, अंदर बच गया एन माइनस एन प्लस वन, और यहाँ पे एन माइनस आर प्लस टू का फैक्टोरियल और आर का फैक्टोरियल। अब देखिए स्टूडेंट, ये एन प्लस वन, एन प्लस टू और एन, यानी पहले एन प्लस टू आएगा, फिर एन प्लस वन आएगा, फिर उसमें से एक कम करेंगे एन आएगा, एन का फैक्टोरियल, और डिवाइड में एन माइनस आर प्लस टू इसका फैक्टोरियल और आर का फैक्टोरियल। तो स्टूडेंट्स ये देखिए, एन प्लस टू का फैक्टोरियल यहाँ तक खुला हुआ है, तो इसको मैं एन प्लस टू का फैक्टोरियल बोल सकता हूँ, डिवाइड में एन माइनस आर प्लस टू का फैक्टोरियल और इंटू आर का फैक्टोरियल। और स्टूडेंट्स इसको देखिए, इसको और इस तरह से भी लिख सकता हूँ मैं, एन प्लस टू का फैक्टोरियल, और ये एन प्लस टू माइनस आर लिख सकता हूँ, एन प्लस टू माइनस आर का फैक्टोरियल और आर का फैक्टोरियल। अब देखिए स्टूडेंट, ये सारा एन बन गया मेरे पास, ये इसको एन मान लिया, तो एन का फैक्टोरियल बटे एन माइनस आर का फैक्टोरियल और आर का फैक्टोरियल, तो ये किसका फार्मूला बन गया, एन प्लस टू सी आर का फार्मूला। अब इसको खोल के देखो स्टूडेंट, एन प्लस टू का फैक्टोरियल, फिर एन प्लस टू माइनस आर का फैक्टोरियल और आर का फैक्टोरियल, तो दिस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही, बाकी के हम क्वेश्चन इसके नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये वीडियो समझ आई है, अगर आपको समझ आई है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और जिन बच्चों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे एक बार फिर रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।